से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा रोडवेज की परिवहन मंत्री के साथ बैठक जारी, बैठक में हंगामा, बाहर निकले कुछ कर्मचारी। बड़ी खबर इस वक्त की, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बैठक चल रही थी, रोडवेज की परिवहन मंत्री के साथ ये बैठक हो रही थी, लेकिन बैठक में हंगामे की खबर, बाहर निकले हैं कुछ कर्मचारी और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैठक से बाहर ये कर्मचारी निकले और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ रोडवेज कर्मचारियों की हो रही थी बैठक, लेकिन बैठक के दौरान ही हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद कुछ कर्मचारी बैठक से बाहर निकल गए। बैठक के बाद बाहर निकलकर की है सरकार विरोधी नारेबाजी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनिल कुमार। अनिल, जरा बताएं कि बैठक क्या अभी जारी है या खत्म हो चुकी है? आखिर बैठक के बीच से ही कर्मचारी बाहर क्यों निकले और सरकार विरोधी नारेबाजी क्यों शुरू कर दी? बिल्कुल, देखिए बैठक अभी जारी है और बैठक शुरू होने के कुछ ही देर के बाद सबसे पहले सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित जो रोडवेज की यूनियन है उसने बैठक छोड़ी, और इसके बाद चार जो कर्मचारी संगठन है रोडवेज के उनकी तरफ से भी बैठक छोड़ दी गई बीच में ही। और इस बीच जो ऐसे इम्प्लॉय संघर्ष समिति जो बैठक में हिस्सा ले रही थी, यानी छठी यूनियन, उसने भी बैठक को बीच में छोड़ते हुए, नारेबाजी करते हुए उनके सदस्य जो है बैठक से बाहर निकला है। तो 13 यूनियन को बुलाया गया था परिवहन मंत्री की तरफ से बैठक के लिए, और 6 यूनियनों ने बैठक को बीच में छोड़ दिया। इस दौरान नारेबाजी भी जो है वो एससी संघर्ष समिति के सदस्यों की तरफ से देखने को मिली। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि परिवहन के जो डीजी हैं उनकी तरफ से जातीय शब्दों की जो टिप्पणी है वो बैठक में उनके खिलाफ की गई है, और पदाधिकारी जो हैं एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति के, उन्होंने ये दावा किया है कि वो जल्द ही एसपी ऑफिस जाकर, चंडीगढ़ एसपी ऑफिस जाकर मामला भी डीजी जो परिवहन विभाग के हैं उनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे। वहीं जो दूसरी यूनियनों की तरफ से बॉयकॉट किया गया बैठक का, उन्होंने अलग अलग मुद्दे के कारण जो है वो बैठक छोड़ी है। हालांकि बैठक अभी चल रही है और ये देखना होगा कि जो 6 से 7 यूनियन अभी बची हैं जिनके साथ परिवहन मंत्री बैठक ले रहे हैं, तो क्या हल कर्मचारियों की मांगों पर इस बैठक से निकल पाएगा। अनिल, जरा ये भी बताएं कि किन किन मांगों को लेकर आज जो है कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक कर रहे हैं परिवहन मंत्री, और जिन यूनियंस ने बायकॉट किया है, क्या उन मांगों को लेकर भी कुछ असंतुष्ट दिखाई दिए या उन समाधान को, उन सुझावों को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए थे ये कर्मचारी जिसके बाद जो है बायकॉट किया गया? कारण आपने बताया कि अलग अलग रहे, लेकिन क्या जिन मुद्दों को लेकर बातचीत के लिए पहुंचे थे उन पर भी असहमति जाहिर की गई? देखिए, जो 4 से 5 यूनियनों की तरफ से एक साथ बायकॉट किया गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक ही संगठन बनाया जाना चाहिए और संयुक्त मांग पत्र जो है सभी कर्मचारी यूनियनों के ज्वाइंट मांग पत्र एक होना चाहिए और उस पर परिवहन मंत्री को चर्चा की करनी चाहिए, जिसको लेकर उनकी तरफ से बायकॉट कर दिया गया। क्या हल निकलेगा ये देखना होगा, क्योंकि जो अभी बैठक में यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद हैं उनके साथ देखना होगा कि कितनी मांगों पर चर्चा होगी और उस पर क्या सहमति जो है वो सरकार की तरफ से बनाई जाती है। बहुत सी डिमांड ऐसी हैं जो लंबे समय से अभी चल रही हैं, जैसे कि कर्मचारियों की संख्या परिवहन के बेड़े में बढ़ाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। ऐसे बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो लंबे समय से परिवहन विभाग में काम कर रहे हैं, करीब 10 से 15 सालों से, और 10 से 15 सालों से काम करने के बावजूद भी अभी जो रेगुलर है वो नहीं किया गया। तो इस तरीके की बहुत सी मांगे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग में ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, या स्टाफ हो, दूसरा स्टाफ हो, मैकेनिकल स्टाफ हो, सभी की अलग अलग डिमांड्स हैं। जी, मांगे सभी की एक ही प्रकार की हैं जो अलग अलग यूनियंस यहाँ पर पहुंचे हैं, या सभी की मुख्तलिफ आपने देखा कि मांगे रही? और जो विरोध अब यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, क्या कहना है? अभी विरोध जता रहे हैं, क्या बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, फिर से जाएंगे, या फिर कुछ और दूसरी मांगे अब यहाँ पर रख दी है? देखिए, जो अभी बॉयकॉट किया गया और जिसके बाद नारेबाजी जो है वो कर्मचारियों की तरफ से की गई थी, इसमें एससी एम्प्लॉय संघर्ष समिति के सदस्य थे। इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि अब पिछले समय में सरकार की तरफ से अलग अलग समय में कंडक्टर से एएसआई के लिए जो प्रमोशन की गई
उन प्रमोशन में एससी वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको नहीं लिया गया है, यानी उनको उनकी बनती प्रमोशन सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। ये आरोप लगाए गए उनकी तरफ से, और ये कहा गया कि जब उनकी तरफ से बैठक में ये बात उठाई गई तो फिर जातीय टिप्पणी जो है वो बैठक के बीच में की गई। अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग यूनियंस की अलग अलग मांगों पर प्राथमिकताएं हैं, तो ऐसे में जो अभी 6 से 7 यूनियन बची हैं ये देखना होगा कि वो किस तरीके की डिमांड जो है वो परिवहन मंत्री के सामने उठाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ और दूसरी जरूरी और अहम खबरों पर आपसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रोडवेज